सो गाइज वेलकम टू पी एस के चैनल, आई पलाशान वेलकम यू इन पी एस के चैनल। तो आज हम एक एपिक वीडियो लेकर आ चुके हैं। आपने सोचा कि लोकी क्राफ्ट का एपिसोड नंबर 4, पर आज हम एपिक वीडियो लेकर आ चुके हैं। एपिक वीडियो मैंने एक नए टाइप का वीडियो बनाया है। इस मैंने क्या बहुत दिनों से ना, मतलब मेरे को वीडियो बना ही नहीं पा रहा था, पर इस पर काम कर पाया तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, पर मैं वीडियो बना ही नहीं पाया। और हाँ, अब मेरा सिस्टम था सबसे पहले डेली डालने का, फिर मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन और इन्फॉर्म नहीं करने का करा। अब मैं एक और सिस्टम फिर से चेंज कर रहा हूँ। अब मैं कभी भी डाल दूँ बिना इन्फॉर्म करे, इन्फॉर्म कर दूँ तो ठीक, नहीं इन्फॉर्म करे कभी भी डाल सकता हूँ। ऐसे तो मैं कभी भी डाल सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं है डेट। आज हम एपिक वीडियो ले, इसमें बहुत ही ज़्यादा हमने चीज़ें बनाई हैं इसमें से। चलो हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसा कुछ लाएंगे, क्योंकि लिए सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में नहीं बता पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बताऊँ, मेरा जो घर था ना, अब वो घर नहीं रहा, ये बन चुका है, जंगल बन चुका है, देख सकते हैं आप मेरा प्यारा घर। नहीं, अब वो घर के तीन तीन लीवे दबाने पड़ते हैं अंदर आने में, उसमें कुछ सीक्रेट तो लग रहा नहीं था, इतना पता था। तो उससे भी ज़्यादा सीक्रेट करके ना, ये एक आंगन ही नहीं, इस आंगन के अंदर ना बहुत कुछ सीक्रेट है। उस सीक्रेट में एक चीज़ है, ये क्या आप देख सकते हैं, भी बता आप देख रहे हैं, ये अभी आप देख सकते हो। और ये फिर ये, ओ माय गॉड, अंदर एक सीक्रेट ये है होम प्लेस। और फिर यहाँ पर देखिए, ये सब कन्फ्यूजन ही रेड स्टोन मैंने डस्ट फैला रखी है ताकि कन्फ्यूजन के लिए। तो सब कुछ टॉर्च वगैरह लगा रखा है। ये वाला रूम फालतू, इधर जाके देख लो, कोई रेड स्टोन वगैरह कुछ नहीं है, ये सब कन्फ्यूजन के लिए लगाया मैंने। और अब मैं इधर ये वाला लीवर असली, मैंने अभी इसको ऑन कर देता हूँ। हाँ, अभी देखना खुले, उधर अपना घर का रास्ता खुलेगा। एक नीचे था उधर था। हाँ, पहले इसको पैक कर देते हैं, पैक ग्रास ब्लॉक। मैं पता है इसके ऊपर ना इधर ऐसा इसलिए लगा देता हूँ ताकि ना पता चले ये वाला है मेरा भी घर ना, घर भी इधर डायरेक्ट नहीं खुलता है, इधर कहीं नहीं दिख रहा होगा, जहाँ पर टॉर्च नहीं है ना, जैसे कि यहाँ, तो मतलब यहाँ पर दो खोदो तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको मेरा घर। और ये रहा वर्ग, और रेडस्टोन के में थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तब मेरे को एक ही ब्लॉक नीचे करना पड़ा, तोड़ दूंगा तो फिर सारा कनेक्शन टूट जाएगा। और पिछले वीडियो में हमने उधर खोदा था, अब वो खोदा हुआ जगह अब एक किसी रूम में तब्दील हो चुका है। उस रूम का नाम है स्टडी रूम। देखिए इधर ये है, बुक शेल्फ्स हैं, ये सीट है कांच का, सोफ़ा कह सकता है आप इसको, ये टेबल, इसको टेबल कह सकते हैं। ये आप बता के बताओ, ये है एयर कंडीशनर। अब मेरे को कुछ मिला नहीं तो मैंने एयर कंडीशनर ही बना दिया, और बस सारा वुडन बना दिया, और नीचे डोराइट पॉलिश डोराइट है। और इधर पढ़े के लिए ये है बुक्स, सोच रहे इधर भी एक बुक, इधर बुक शेल्फ्स लगा ही दूँ, बुक शेल्फ्स। तो आप तीन और देख सकते हैं लग गई है, अब लग रहा है स्टडी रूम। तो अभी मैंने ये नीचे तक का तो सब डिफाइन कर चुका हूँ मैं, ये जाना आगे, ये भाई मेरे को ही आगे नहीं चलना। और कोबल स्टोन की लाइन इसलिए है क्योंकि उधर से ट्रैपर बनाया था, और उस एनिमल फार्म में एक चीज़ मेरे को बतानी है आपको। अभी ऊपर चलते हैं। अरे हाँ, मेरे को जाने दो रे, मैं तो शरीफ हूँ। शरीफ तो क्या, चले ये चलना, अच्छा चल गया। और अब अपन को उधर फिर से क्लोज कर देता हूँ,
अब मेरे को डॉट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ग्रास ब्लॉक लगा है तो पता चल जाएगा कि इधर ग्रास ब्लॉक लगा कुछ ना कुछ है। डॉट ब्लॉक लगाऊंगा तो एक जैसा लगेगा, सिंपल। अभी हम उधर उधर से बंद कर देते हैं, ये भी वाली जगह है ना। हाँ ठीक है, इधर एक हिंट दे रखा है मैंने। इधर वो लीवर ऑफ। चलो अब उधर घर हो जाएगा बंद। चलो हो गया है क्लोज। और हाँ, मैं ड्रैपर में एक ऊपर इसलिए लगा दी कि जो जोम्बी स्केलेटन वगैरह थे ना, मकड़ियाँ वगैरह, सो वो सब अंदर घुस जाते थे, अब नहीं घुस पाएंगे। मैं तो अभी भी घुस सकता हूँ एक जंप। वाह, यूँ ही चल जाते। और मैंने कांच की इसलिए लगाई, पता नहीं बेड क्या करते, ग्लिच विच वगैरह क्या हुआ है, बाहर निकल जाते इधर से। और मेरा घोड़ा गायब हो गया, पता नहीं क्यों गायब हो गया, जो क्या पता स्पाइडर ने इन्होंने मारा हो। मेरा प्यारा घोड़ा, उस पर गोल्डन आर्मर भी लगा हो तो सडल भी, इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। अपने बहुत खूब सारे करोड़ों पड़े हुए हैं, पर तो भी मेरा घोड़ा। और हाँ, इन शीप में देखो, एक काली शीप भी है और एक ब्राउन शीप भी है। मैं दूर से लेकर आया था, क्योंकि मैं ये मेरे को अलग लगी तो ये मैं लेकर आया। अब नेक्स्ट अपने पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये है लाइब्रेरी, ये बहुत बड़ी है, पर सब कुछ बताऊंगा मैं। लाइब्रेरी खोल के मैं आपको बता देता हूँ। गेट बंद। और अब ये आके टॉर्च लगा रखी है, हर एक कोने में ऐसे टॉर्च लगा रखी है, फिर लाइट ही नहीं थी। और फिर इधर बीच बीच में भी टॉर्च लगा दी, क्योंकि इधर भी लाइट नहीं थी। ये देखिए इधर लाइट है, ये देखिए। ओ अरे, वो इन सब के आइडिया ऐसा कुछ है देना रे। अरे वो देना, एक से ये ग्रास कैसे, हाउ ग्रास ग्रोन ऑन दिस। ओ भाई, ये व्हाट हैपन, व्हाट कारपेट लगा था अभी यहाँ पर, कारपेट तो लगी थी, लाल कारपेट। आई मस्ट ट्रिक गेम फ्रिक का से ऑन। अरे यार, पर ये कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल, आई डोंट नो। अब तो ठीक है, पर मेरे से रह कैसे गया पता नहीं। अब भाई, हम लाइब्रेरी भी डिफाइन कर चुका हूँ, वो बहुत बड़ी, बिगेस्ट लाइब्रेरी है, बिगेस्ट लाइब्रेरी। एंड एक सीट। अब ऊपर जाने में क्या कर रहे हैं, मेरे को इसमें कैल्प पत्ता नहीं मिला, और इधर नदी में भी गया नहीं मिला, तब क्या करें। बाकी मैं ना लिफ्ट, अब क्या है, लिफ्ट ऊपर से पानी ऊपर से डालते, नीचे तो ही रहे, पर इसमें ऊपर से नीचे, मतलब नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, तब क्या करें। सोल सैंड लगी थी, पर कैल्प पत्ता ज़रूरी उसके लिए। तो देख, अब मैं आ गया हूँ, ऐसे ही आना पड़ेगा मेरे को। अब ऊपर सब कुछ ग्लास है, ग्लास का फुल ग्लास, हम एकदम पक्का माल यूज़ करते। सीढ़ियाँ बनाइए, ऊपर जाएंगे इधर। हाँ अब बताओ ये क्या है, ये मेरे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पूरे जहाँ जहाँ पर मैंने कुछ भी सब कुछ बनाया ना, सब जगह पर ये लाइन जा रही है, तो आप सब जगह देख सकते हैं। और कांच है, आप नीचे से ऑलरेडी देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, ये देख देखिए। वैसे हम जा ही रहे हैं, ये देखिए फार्म पूरा दिख रहा है आराम से। उधर एक बेड पड़ा है जो मैंने जब बनाते समय लगाया था उधर भी। और ये देखिए, इधर देख सकते हैं। और ये ऊपर हो गया हम, और ये ऊपर, और ये थोड़ी अपन को चलना है, ये थोड़ी फास्ट चाहिए, पर वाह अभी के लिए तो वाह ठीक है। अभी लगता है मेरे को सो जाना चाहिए, क्योंकि लिए सोते हमारा एक नियम वाली, मैं मरता नहीं हूँ इसमें, मरता नहीं हूँ, पर हम के
सुबह ही काम, सुबह ही सब कुछ करना वगैरह। ये भाई अरे कागे पे सीढ़िया। अच्छा ये ली, ये रहा एक और रास्ता है, ये उस तरफ जा रहा है मेरे घर की तरफ। एक बार देख ही लेते हैं फिर अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। देख ली, बस अब आगे आगे अभी चलता हूँ मैं, बहुत धीरे चल रहे हैं पर आराम आराम से देख सकते हैं इसको। और देखना अभी काम करे क्योंकि मैंने ऊपर से डाला इधर से डाला, तो ये देखिए अभी पानी हाँ स्लो ले जाएगा पर मेरे लिए तो काफ़ी है। अरे वो हाँ मैंने तो एक नियम बनाया था ना, आई मस्ट स्ट्राइक फ्राइक गर्ल। अरे भाई लाइक मैंने फ्रिक लाइक अ टू से फ्रिक This is man of my life only. Or the visa say, अरे मैं फंस गया। ओ भाई तोड़ना पड़ा मेरे को। अरे क्या करूँ? एक सेकेंड। अरे भाई निकल सकता था इधर से, फिर मैंने क्यों, वैसे तो कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं, हल्का टूट जाए। और इधर से भी ग्लास लगा लेता हूँ, ये पता नहीं मैं कैसे फंस गया था। अब फंस गया, वाह अब सब कुछ ठीक हो चुकी। लिफ्ट थोड़ी सी पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आया, अब हो चुका है, अब नेक्स्ट पड़ाव है हमारा। अरे भाई ये, अरे ये क्या हो रहा है, हट रहा। अरे भाई चलना, फीलिंग्स अब देख सकते हैं। इधर खेत है, इधर खेत में सब कुछ उग चुका है। अब देख सकते हैं आप खेत है, खेत में बहुत कुछ, ये तरबूज उग सकते हैं, उग चुके गाजर उग चुकी है, अच्छा शुगर केन उग चुकी है। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब देख सकते बेचारा पहाड़ सब कुछ प्लेन हो गया। मैंने इसके ऊपर कुछ बनाया है, उसके बताने से पहले ये देख सकते हैं आप, इधर घुमाओ नज़र देखिए, ये पूरा पहाड़ वो हो चुका है। देखो ऐसा प्लेन हम प्लेन, इससे पीछे की साइड से मैंने प्लेन कर दिया। इधर कुछ चीज है, इधर वो थे ना, वो मर गए क्या? वो मर गए, मैंने इधर उनको कैद कर दिया था, उन दो सुअर थे। ओ ये रहा सुअर एक, तो ये भाई आज तारीफ है। एक सेकेंड नीचे से कंबाइंड है, भाग गए। अरे झील तोड़ के भाग गए, नहीं नहीं पर तो भी अभी है सुअर, वो मर जाएंगे आई थिंक जो भी हो। अभी इसको फिर से पैक कर देते हैं, ग्रास ब्लॉक है, अभी कौन देख रहा है, फिर से डर्ट बन ही जाएगी। और इधर देख सकते हैं सब कुछ प्लेन है। अभी हम फिर से जाते हैं उधर और ऊपर जो है वो करते हैं भाई, चलना। अरे यार चलना ढंग से चलना, चल गया अभी इधर चल रही चल ही रहा। मैंने टॉर्च ही टॉर्च लगा दी ताकि, क्योंकि बार बार सोने को बेड निकालिए, ये सीढ़ियाँ बनाने के लिए भी एक ट्रिक करनी पड़ती है। ये क्या अपन डायरेक्ट फिर इधर लगे, फिर वापस इसके ऊपर लगेंगे तो नहीं लगेगी, पहले इधर लगाओ फिर कुछ कॉबल स्टोन वगैरह इधर लगाओ फिर उसके इस साइड इधर लगाओ, तो ऐसे ही सीढ़ियाँ लग सकती है। जैसे कि आप आपको देख सकते हैं क्योंकि ये ऐसी लग सकती है, बाकी ये सिंपल नहीं लगता। अब मैंने कर लिया ये और ये रहा ये, और नीचे उतर जाते हैं आप देख सकते हैं इधर टॉर्चे भी। अरे यार कहाँ, हाँ अरे शायद तक इसका पार्ट टू नहीं चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया लगभग इधर। हाँ तो आप देख सकते हैं ये हैं
शुगर केन फार्म, ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। अभी मेरा चेस्ट कहाँ है ये भाई? चेस्ट को ही दबा दिया मैं क्या मैंने? ये भाई लगता है खड्डा कुछ दिखा होगा, दबा दिया। चेस्ट में नहीं आते क्योंकि ये चीज़ खाली माइनक्राफ्ट, असली वाले माइनक्राफ्ट में वर्क करती है, लकी क्राफ्ट में लगता है वर्क नहीं करती है। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपने माइनक्राफ्ट परचेस कर रखा है तो मैं आपको बता सकता हूँ क्या मैंने क्या करा। सबसे पहले आपको पाँच पाँच गड्ढा खोदना, इधर इधर यूँ यूँ यूँ, ठीक है? पाँच खोदने के बाद दो 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 ब्लॉक गिनो, दो तीन, मतलब जैसे ही तीन गिनो उसके बाद इधर दो नीचे खोदो और दो ब्लॉक नीचे खोदो, एक ब्लॉक नहीं नीचे, और फिर इधर चेस्ट लगा दो और एक तरफ हॉपर और एक हॉपर और इधर नीचे उस साइड भी सब एक एक हॉपर सब पर। फिर उसके ऊपर पानी डालना, पर पानी डालने से पहले इधर ब्लॉक लगाना ताकि पानी इस चेस्ट के साइड ना आए। तो अभी ऐसे करना है और फिर आगे का काम, इधर लगाने हैं स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन जैसे जो लकड़ी लगे, लकड़ी के ऊपर स्टिकी पिस्टन रखना है पाँच, और फिर उसके उसके ही पीछे इधर लगाना है और स्टिकी पिस्टन का जो भी है ना स्टिकी स्टिकी ये है ना, ये आगे की साइड ही रहना चाहिए ग्रीन ग्रीन। और कॉबल स्टोन लगा दे इधर, कॉबल स्टोन इसलिए क्योंकि इधर उसके ऊपर रेड स्टोन है, मतलब इसके आगे। फिर स्टिकी पिस्टन के ऊपर आपको ऑब्जर्वर लगाना है, पांच ऑब्जर्वर पर ध्यान रखना है कि उसके ना पांच ये जो इसके डॉट है ना सारे पीछे रहने चाहिए तो काम करेगा, और फिर उल्टा लग जाएगा फिर नहीं तो। फिर इधर पीछे रेड स्टोन से एक्टिवेट हो जाए, फिर जैसे भी ये जैसे ही उगेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये यही था आज आज का मेरा एपिक वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। सो बाय गाइस। सो गाइस एक बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है, वो चीज़ है ये लोकी क्राफ्ट में कि मैं एक्सप्लोर कर रहा था वर्ल्ड कि क्योंकि मेरे को एक जॉम्बी विलेजर मिला था, तो मैंने कहा विलेजर है कि नहीं, उसके चक्कर में अपना घर भूल गया। पिछली बार तो मिल गया पर इस बार नहीं मिला, गुस्से में आकर मैंने डिलीट कर दिया। तो अब तो कोई आसार ही नहीं रहा था, अब सीरीज़ ख़त्म लोकी क्राफ्ट की, ऐसे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। और एक वीडियो मैंने उससे पहले रिकॉर्ड कर लिया था, एक एपिक वीडियो था, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद ये लोकी क्राफ्ट की सीरीज़ ख़त्म। मेरे को भी दुख हो रहा है, मेरा घर मेरी इतनी मेहनत चली ही गई, अब क्या कर सकते हैं। बस ये आपको सुना दे दिए, कल या परसों में मिल जाएगा वो वीडियो।